नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 20, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओएआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ये 20 जीएस मॉक टेस्ट है। अभी हमने 19 मॉक टेस्ट को पहले ही डिस्कस किया है, जिसकी की प्लेलिस्ट तैयार है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ये इस नंबर पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी इस कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखें, निम्न में से किस मामले को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया? Which of the following cases were called the India's first judicial murder by the British government? पहला ऑप्शन आपको दिया गया भगत सिंह की फांसी, दूसरा आपको दिया गया नंद कुमार की फांसी, तीसरा आपको दिया गया खुदीराम बोस की फांसी और आखिरी आपको दिया गया उधम सिंह की फांसी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पे जो सही उत्तर है वो है आपका नंद कुमार की फांसी, बी इज द राइट आंसर। नंद कुमार की फांसी को फर्स्ट जुडिशियल मर्डर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा गया है। नंद कुमार की फांसी के पीछे बहुत बड़ा हाथ था वॉरेन हेस्टिंग का, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था। असल में जो नंद कुमार था ना, उसने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ केस दायर कर दिया था करप्शन का। ठीक है, तो उसी के चलते बाद में उसने बदला लेने के लिए ये सब पूरी आपकी रणनीति उसने की थी, लेकिन इसको हम बहुत डीप में नहीं समझते हैं अभी। यहां पर दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, नीचे दिए गए तत्वों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ आपको रिवर्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इन रिवर्स में कौन कौन सी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज बोला गया है, तो येल्ला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है क्लास वो है डी। जितने भी आपको रिवर्स के नाम दिए गए हैं ये सारे आपके कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब क्लास देखिए, पेपर में प्रश्न आपसे ट्रिब्यूटरीज से बन जाता है, कभी कभी आपसे बन जाता है किसी के रिवर का ओरिजिन पूछता है। तो अगर हम कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से, यहां पर देखिए महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व की ओर ये ट्रेवल करते हुए कहां जाकर ये बहती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर। ठीक है, कहां प्रभावित हो जाती है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये याद रखिएगा, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से ये निकलती है कृष्णा रिवर और जाके गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब हम कृष्णा रिवर्स की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। यहां पर देखिए इस फिगर के थ्रू सबसे पहले आप घाट प्रभा याद रखिएगा, घाट प्रभा। ठीक है, फिर माल प्रभा आप याद रखिएगा, तुंगभद्रा आप याद रखिएगा, वेदावती आप याद रखिएगा, मूसी याद रखिएगा और भीमा याद रखिएगा। मेनली यही जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कृष्णा रिवर की दी रहती हैं पेपर में, इनको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद इसके पहले वाले टेस्ट में हमने दामोदर रिवर को डिस्कस किया था, आज हम कृष्णा रिवर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कृष्णा रिवर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद रहेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया महाबलेश्वर आप याद रखेंगे, फिर आप बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे, फिर यहां पे जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मुंशी, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, वेदावती। चलिए अब हम अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्लास, तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश हैज अ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आर नॉट लोकेटेड इन लखनऊ? पहला आपको दिया गया है पशु जैविक औषधि अनुसंधान। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, जिसको कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं। तीसरा आपको दिया गया सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट और आखिरी आपको दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज। तो यहां पे मैं आपको बता दूं ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं आपके, ये तीनों लखनऊ में है, लेकिन सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में नहीं है। तो वो कहां पर है? वो आगरा में है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट लोकेटेड इन लखनऊ पूछा गया है। क्लास इस तरीके के प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको कभी भी छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लखनऊ में कौन कौन से स्थित हैं आपके शोध संस्थान। तो सबसे पहले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आप याद रखेंगे, आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान, फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी चीज आप याद रखेंगे। नेशनल बोटैनिकल गार्डन भी आपका कहां पर है, लखनऊ में है। यहां पे कुछ और अनुसंधान के नाम दिए गए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, अभी मैंने आपको बताया है लखनऊ में है। अगर इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया रहेगा तब आप लखनऊ लगाएंगे, लेकिन अगर आपको दे दिया गया कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है तब आप क्या लगाएंगे, कानपुर लगाएंगे, ध्यान में रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, ठीक है। फिर इसके बाद सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है, लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है, तो ये सहारनपुर में है, याद रखिएगा सहारनपुर पेपर टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने आपको कानपुर बता दिया, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये भी आपका पूछता है, ये कहां पर है, कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। इसके बाद पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, बरेली में है, याद रखिएगा कहां पर है, बरेली में। तो क्लास ये पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, फिर यहां पे टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर और पशु चिकित्सा से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है आपका वो बरेली में, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की गई है, तो ये कहां पर है आपका, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट हमने अभी बताया आपको कानपुर में है, अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये कहां पर है, ये लखनऊ में है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, मैंने बता चुका है आपको। नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ में है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एक ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये कहां पर है, बरेली में है। तो जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है ना यहाँ पे, स्टार जहां पे मार्क किया है, उनको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहां पे भी देखिए, यहां पर भी आपका स्टार लगेगा, ये दोनों भी आप याद रखेंगे कि ग्रासलैंड एंड पोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट आपका इज्जत नगर बरेली में है। चलिए, ठीक है, और भी दिए गए हैं, आप उसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया गया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा आपको दिया गया है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, मैं सही उत्तर आपको बताती हूँ। जब हम बात करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की, तो इट वॉज फाउंडेड बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, एकदम सही है। एंड गदर पार्टी के फाउंडर्स में आपके सोहन सिंह भाकना थे, ये भी सही स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम कुछ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्रांतिकारी संगठन कहते हैं, कौन कौन से हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछता है। सबसे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया 905 आप याद रखेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा याद रखेंगे, और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी, इंग्लैंड में की थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 2 साल बाद 1907 तारकनाथ दास, और ये कहां पर आपका बना है, ये अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा क्लास, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन
हिंद एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो सोहन सिंह भाकना 1913, ठीक है, अमेरिका। गदर पार्टी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे संस्थापक के नाम आप याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे, 1913 सबसे पहले सोहन सिंह भाकना, ठीक है, लाला हरदयाल, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हमेशा गदर पार्टी के साथ लाला हरदयाल का ही नाम दिया रहता है, लेकिन अब पेपर को और डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या कह देंगे कि अदर मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वर, ठीक है, और मेंबर्स के नाम पूछ लेंगे, रामचंद्र, ठीक है, बरकतुल्ला, और ये कहां पर आपका बना था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो दोनों याद रखिएगा, जब हम हिंद एसोसिएशन की बात करते हैं यहां पर सोहन सिंह भाकना है अमेरिका, जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं यहां पर भी आपके सोहन सिंह भाकना है लाला हरदयाल के साथ सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में, याद रहेगा, याद रहेगा, मुझे पता है। फिर पांचवा देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार, ये 1915, और किसने इसको बनाया था याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप, और ये कहां पे आपको बना था, अफगानिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार, ऐसे करके या तो हो सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आपको करके दे दे, ये कहां पे फॉर्म हुआ था, अफगानिस्तान में, किसने बनाया था, राजा महेंद्र प्रताप ने, याद रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, राज बिहारी घोष, आप सभी को पता है 1942 में, और कहां पर राज बिहारी घोष ने इसको बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये आपका जापान में, ठीक है, 1942। अब आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, मोहन सिंह, मोहन सिंह ने 1942 कहां पर, जापान में, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी 905, मैडम कामा पेरिस में, इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां पर। क्लास एक चीज और याद रखिएगा, अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगा कि ऐसा भी प्रश्न पेपर में बन सकता है, वो क्या है, हो सकता है रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन के नाम आपको दे दे और उनके सामने फाउंडर्स के नाम दे दे, ये तो एक सिंपल सा प्रश्न बन गया जो कि आप पेपर में तैयार होकर जाएंगे करने के लिए। लेकिन अब हो सकता है कि इन रिवॉल्यूशनरी संगठन का नाम, मतलब इन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दे और आपको अरेंज करने के लिए दे दे, ठीक है, कि कौन सा कब बना था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे थे इंडियन होम रूल सोसाइटी तो हम 1905 में बात कर रहे थे, और 1905 में भारत में आपका क्या चल रहा था, बंगाल का पार्टीशन चल रहा था, और यहां पर इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर 1913 में आइएगा, ठीक है, 1913 में याद रखिएगा गदर मूवमेंट की बात हुई थी, ठीक है, और क्या हुआ था, हिंद एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था, और किसने किया था, सोहन सिंह भाकना ने, फिर इधर लाला हरदयाल, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, ऐसे करके बनाइएगा तो याद रहेगा। फिर 1942 में जब आएंगे तो आप दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 जो कि जापान में राज बिहारी बोस ने बनाया था, ठीक है, और आजाद हिंद फौज 1942 मोहन सिंह ने, ठीक है, और ऐसे याद रखिएगा मैडम कामा जो है, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा जो कि पेरिस में, ये भी किस समय में है, 1905 के समय में है, श्यामजी कृष्ण वर्मन के समय में है। तो कुछ पर्सनालिटीज को एक साथ जब आप पढ़ेंगे ना तो पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। होप जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं वो आपको समझ में आया हो, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस सूत्र में भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप मिलता है, ठीक है, यहां पे बोला गया है कि किस सूत्र में इंडियन ज्योमेट्री का आपको वो मिलता है, आपका मतलब एविडेंसेस मिलते हैं, मिल लीजिए, पहला आपको दिया गया कल्प सूत्र, फिर आपको श्रोत सूत्र दिया गया है, फिर सुल्ब सूत्र दिया गया है, फिर भगवती सूत्र दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं एविडेंसेस आपको मिलते हैं सुल्ब सूत्र में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक नया प्रश्न है, कई बच्चों को इसके उत्तर नहीं बता रहे होंगे, ये भी मुझे पता है, तो याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर है, व्याख्या में भी देख लीजिए। अब क्लास इसके पहले वाले टेस्ट में हमने वेदांग के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था 6 वेदांग होते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वेदांगों के बारे में मैंने आपको बताई थी और बताई थी इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। एक बार क्विक रिविजन इसको कर लीजिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा क्लास, हो सकता है पेपर में आपसे यही प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम्स और फ्रांस को जोड़ती है, ठीक है, यहां पे स्ट्रेट्स की बात की गई है और बोला गया है कौन सा स्ट्रेट आपके यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेविस स्ट्रेट दिया है, फिर डेनमार्क दिया है, फिर डोवर दिया है, फिर जिब्राल्टर दिया है, और हमने इसको डिस्कस भी किया है, जो आपका डोवर स्ट्रेट है ना, वो कनेक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। डिस्कशन का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी से, दिख रहा है आपको अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ पे अलग किसको कर रहा है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को यूरोप के कॉन्टिनेंट से। इतना याद रखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। चलिए अब आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो कि यूरोप में है। क्लास इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको याद कराने का प्रयास करूंगी, हो सकता है आपको याद भी हो जाए, और अगर नहीं याद होता है तो इस ड्यूरेशन को एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा, दो तीन बार देखिएगा इस लेक्चर को, आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ करिए, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं एजोव सी को। ठीक है, फिर एजोव सी के बाद इधर मैं बनाऊंगी ब्लैक सी को, आप भी ऐसे ही याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ब्लैक सी के बाद मैं इधर बनाऊंगी सी ऑफ मरमरा को। इतना समझ में आया जो चीज मैंने ये तीन ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी और ये लिखूंगी इटली। ठीक है, ये चीज मैंने इटली वाला तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इटली, अब यहां पर आइए, इसी को मैं यहां पे रखती हूं और आपको समझाती हूं। यहां पे सबसे पहले आपको एजोव सी दिख रहा है, फिर यहां पे आपको ब्लैक सी दिख रहा है, देखिए ब्लैक सी, और यहां पे आपको सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, जो कि मैंने ये तीन बनाए हैं। अब ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में जो स्टेट है उसका नाम है कर्च स्टेट, के ई आर सी एच, कर्च स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, इधर एजोव सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सा है, कर्च स्ट्रेट है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, याद रखिएगा, यहां पे कौन सा हो गया कर्च स्ट्रेट, यहां पर कौन सा हो गया बॉस्फोरस स्ट्रेट, दो तीन बार ड्रॉ करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्लास, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका इटली का है। अब इटली मैप में ऐसे एक ड्रॉ करिए और देखिए किस तरीके से आप याद करेंगे, इटली के इस साइड आपका एड्रियाटिक सी है। ठीक है, इटली के साउथ में आपका आयोनियन सी है और इधर आपका टाइनेनियन सी है, याद रखिए। ये मैंने इटली ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, यहां पर एक मिनट। ठीक है, ऐसे इटली बनाइए, इटली के इधर बनाइए एड्रियाटिक सी, मैं ए लिख देती हूं ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। फिर इधर आप क्या ड्रॉ करेंगे, यहां पे आप आयोनियन सी की बात करेंगे और इधर आप टाइरेनियन सी की बात करेंगे, टिया करके याद कर लो, इटली और टिया। ठीक है, ये याद हो गया इटली को किन किन सीज ने आपके सराउंड किया है, क्लियर। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, यहां पे देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाला, एक मिनट क्लास, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पे एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। ठीक है, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है ओट्रेंटो स्ट्रेट, यहां पे ओट्रेंटो, ओट्रेंटो, ये एड्रियाटिक है, ये आयोनियन है, इसके बीच में आपका ओट्रेंटो स्ट्रेट है। ठीक है, ओ एन टी आर ए एन टी ओ, ओट्रेंटो स्ट्रेट। ठीक है, और यहीं पर जब आप आएंगे यहां पे टाइरेनियन सी के नीचे और आयोनियन सी के बीच में, यहां पे आप है स्ट्रेट ऑफ मेसिसिना, स्ट्रेट ऑफ मेसिसिना। तो मैं फिर से एक बार बस इतना ही आपको बताऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरा काम है थोड़ा थोड़ा आपको याद कराना। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताया आप एजोव सी बनाएंगे, ब्लैक सी बनाएंगे और इधर आप बनाएंगे सी ऑफ मरमरा। एजोव सी और ब्लैक सी के बीच में हमने कर्च स्ट्रेट की बात की है, के ई आर सी एच, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में हमने बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात की है यहां पर। ठीक है, मैप में देखिए ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। फिर मैंने आपसे कहा आप एक काम करिए इटली बनाइए ऐसे। ठीक है, और इटली के बाद आप टिया बनाइए, टिया मतलब यहां टाइरेनियन सी, यहां आयोनियन सी और यहां एड्रियाटिक सी। अब एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में आप कौन सा स्ट्रेट बना रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, ओट्रेंटो। ठीक है,
फिर इसके बाद आप यहाँ पर जब आएंगे आयोनियन और टायरेनियन सी के बीच में आप मेसिसिना बना रहे हैं। जो मेसिसिना स्ट्रेट है पेपर में प्रश्न पूछता है वो सिसली को आपके मेन इटली से अलग करता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इसी सिसली में आपका माउंट एटना भी है, ये हमने डिस्कस किया था। तो बस अब इतना ही, इससे ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगी। तो अब आप क्या करिएगा, आज एटलस उठाइएगा, जिस तरीके से मैंने ऐसे ब्लॉक में डायग्राम को ड्रॉ किया है ना, ऐसे ही ड्रॉ करके आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन बस इतना स्ट्रेट, क्योंकि पूरा एक साथ पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद रखोगे तो याद रहेगा। अब सातवां प्रश्न हम देखते हैं, आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है। द आर्कटिक सर्कल डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, होकर नहीं गुजरती है। यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कनाडा, आइसलैंड, फिर यूएसए, और आखिरी आपको दिया गया है पोलैंड। तो मैं आपको बता दूं जो आर्कटिक सर्किल है वो पोलैंड से नहीं गुजरती है। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम पहले उत्तर देख लेते हैं, देखिए डी आपका सही उत्तर है। अब ये देखिए आप, आपको दिख रहा है ये है आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल दिख रहा है। हम ऐसे अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ऊपर वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये किससे किससे गुजर रही है, देखिए यूएस से, रशिया से, फिनलैंड से, स्वीडन से, नॉर्वे से, ग्रीनलैंड से, कनाडा से, ठीक है। याद रखिएगा पोलैंड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज करा दूं, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, आठवां प्रश्न। अब ये जो आठवां प्रश्न है क्लास, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सबसे पहले दिया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको कि हम NTCA कहते हैं, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा आपको दिया गया है, या केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड आपको दिया गया, प्रधानमंत्री इसका प्राधिकरण के अध्यक्ष होते, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। और आखिरी आपको दिया गया, इस प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 4 सितंबर 2006 को जारी हुई थी, नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस अथॉरिटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन 4 सितंबर 2006। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इतना प्रश्न पढ़ा तो इसमें कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल परेशान हो गए होंगे, इरिटेट भी हो रहे होंगे, लेकिन इरिटेट मत हो, वीडियो को पॉज करो, पूरे प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सही उत्तर जो मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो यहां पर देखिए, जब भी हम NTCA की बात करते हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो मैं पॉलिटी में इसको आपसे डिस्कस की होती, तो ये आपका गलत है, ठीक है। इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यस दिस इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, नहीं, जो मिनिस्टर होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का, वो इसका हेड होता है, वो इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 4 सितंबर 2006 को जारी हुई, ये एकदम सही है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट खाली आपका एक और कौन सा है, एक और चार, नहीं सॉरी दो और चार है, ठीक है, 2 और 4। तो सही उत्तर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताती हूं, जब भी हम NTCA की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। NTCA का गठन आपका किस एक्ट के थ्रू हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसका गठन हुआ था 1972 का, जो था वन जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको कि हम बोलते हैं, पेपर में पूछता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था, तो 1972 में आया था, यह भी एक प्रश्न है, ठीक है। तो NTCA का गठन आपका कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है।
एनटीसीए के साथ साथ एक और बॉडी का गठन हुआ था, उसका भी नाम याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन एनटीसीए के साथ हुआ था। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि एक संवैधानिक, ये याद रखिएगा। अभी मैंने बताया आपको ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये आपकी एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 48A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपका एक आर्टिकल 48A ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था, ये मैं पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्दों को। इसके अंतर्गत कहा गया था कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो ये आपका 48A में आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है, जो कि DPSP है, आपको पता है। चलिए, इतनी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट था और ये एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है, ये याद रखिएगा। नौवां प्रश्न देखिए, कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपको दिया गया है बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, फिर बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, फिर बिटवीन सीमा एंड निफे, फिर बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो मैं आपको बता दूं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। मैंने इसको पहले भी आपसे डिस्कस किया है, इस फिगर को, इसके पहले वाले टेस्ट में। जो बच्चे लगातार टेस्ट को देख रहे होंगे उनको चीजें अपडेट होती जा रही होंगी, याद होती जा रही होंगी, ना माइंड में फीड होती जा रही होंगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होता है, जो कि आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होता है। क्लास, आपको पता है ना कि ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, मेंटल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में ये कोर होता है। और ये भी अपने में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल और अपर कोर लोअर कोर। तो यही डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था। आप कैसे याद रखोगे, CMRGL, ठीक है, दो तीन बार कहीं पे लिख लो CMRGL, ठीक है, CMRGL, ठीक है, कुछ CMRGL ऐसे करके याद कर लो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, फिर मोरोविक डिसकंटिन्यूटी जो कि आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है, फिर रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में है, फिर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल एंड आउटर कोर और इनर कोर आउटर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी। दो तीन बार याद करना क्लास, कोड याद कर लेना, कोड याद करोगे तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगी। आप में से किसी बच्चे ने बोला था कि मैम एग्जाम में कोड नहीं याद रहते हैं, इसलिए एग्जाम में कोड नहीं याद रहते हैं क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगा के जाते हो। जब आपने कुछ ट्रिक बनाया और उसको बार बार आप देखते रहोगे, उसके बेस पे क्वेश्चन लगाओगे, तो एग्जाम में आपको कोड ही हेल्प करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते चलो। तो यहाँ पे CMRGL याद रखना, ठीक है, तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक और फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी, भूपर्पटी ऑक्सीजन कितना है आपका, 47% है। मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूछी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे, उसके बाद आपका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब है। चलिए, ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दसवां प्रश्न देखिए, यहाँ पे सूची एक दी गई है, सूची दो दी गई है और दोनों को सुमेलित करना है। तो मैच द कॉलम का प्रश्न है, तो इसको वीडियो पॉज करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एच एच बोरोस का, ठीक है, तो एच एच बोरोस ने आपका कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, जियोग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोसिस्टम, मानव परितंत्र का भूगोल, ठीक है, तो ए का आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं WM डेविस की, WM डेविस ने क्या दिया था, इरोजन साइकिल दी थी, अपरदन चक्र दिया था, बी का आपका फर्स्ट हो गया। फिर जब हम बात करते हैं M जेफरसन की, तो M जेफरसन ने दिया था कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, M जेफरसन ने दिया था
प्रमुख नगर सिद्धांत, सी का फोर्थ, ठीक है। और तब बचा आपका यहां पे कार्ल सॉथर, ये आपका हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। तो अगर हम इसके बेसिस पर चलेंगे, आपका सही उत्तर क्या है, बी आपका सही उत्तर है। क्लास देखिए, यहां पे तो हमने मैच द कॉलम के फॉर्म में आपसे पूछा है, पेपर में हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ ले। जैसे आपसे पूछ ले ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोसिस्टम, तो आप याद रखेंगे जब भी हम ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो किसका नाम याद रखेंगे आप, एच बोरोस की, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, बी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए। अब हम लोग 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत से क्वेश्चन इस प्रश्न से आपके तैयार होंगे, ध्यान दीजिएगा। मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा क्लास, यहां पर एक एक चीजों को जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषदों में की गई है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, तीनों है, 1, 2, 3, तीनों आपका एकदम सही है। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, यहां से पेपर में प्रश्न बने भी हैं। सबसे पहला, जब भी हम पुनर्जन्म की अवधारणा की बात करेंगे तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि मैम ने क्या बोला। उसके बाद जब भी हम मृत्यु की बात करेंगे कि मृत्यु की सबसे पहली चर्चा कहाँ की गई है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में की गई है, याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में। और हम मोक्ष की बात करेंगे तो मोक्ष की सबसे पहली बार चर्चा उपनिषद में की गई है, याद रहेगा ये तीनों पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो उसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम ईशोप उपनिषद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका निष्काम कर्म की बात की गई है, निष्काम कर्म की बात और कहाँ की गई है, तो याद रखेंगे ईशोप उपनिषद में, ठीक है। इसके बाद तैतरीय अण्यक की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नगर की चर्चा की गई है, ठीक है। फिर आप याद रखोगे क्लास, यहां पर जो मैं आपको बता रही हूं, यहां देखिए यम और नचिकेता जो थे, यम और नचिकेता के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, संवाद हुआ था, ये किसमें मेंशन किया गया है, कठोप उपनिषद में, याद रखिएगा। सीधे आपको दे देगा यम नचिकेता संवाद और कुछ नाम दे देगा, तो याद रखेंगे कठोप उपनिषद में, ठीक है। अब मुंडोक उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो इसमें यज्ञ को एक ऐसी नाव कही गई है जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी नौका है यज्ञ जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता, पेपर में अभी हमने डिस्कस किया है। सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो ये आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। पहली बार रजत चांदी का उल्लेख कहाँ हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है। और अथर्ववेद का कोई अण्य नहीं है, ये भी चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं प्लीज क्लास याद रखिएगा, जैसे सत्यमेव जयते की बात मैंने कर ली, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया यम नचिकेता का संवाद कहाँ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि सबसे पहले मृत्यु की बात कहाँ की गई है, मोक्ष की बात कहाँ की गई है, तो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न देखिए, यहां पर भी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्लास, उत्सर्जक दिए हैं, एमिटर दिए हैं और एमिटेड सब्सटेंस दिए हैं, तो कौन कौन से चीज क्या क्या एमिट करती हैं, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको दिया गया क्षयमान पादप, ठीक है, प्लांट्स की बात की गई है, क्षयमान पादप की बात की गई है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम वॉल्केनो की बात करते हैं तो वॉल्केनो में आपका क्या होगा, वॉल्केनो में आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे ओशियंस की तो ओशियन में आपका सॉल्ट स्प्रे हो जाएगा, आपको पता है नमक ओशियंस में पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट फायर, जब भी फॉरेस्ट फायर लगता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका वॉल्केनो के समय भी रिलीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ज्यादा एमिट हो रहा है इसकी बात की जा रही है, तो इसके हिसाब से आंसर आपका क्या होगा, बी। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, एक बार हम देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बी सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कटवर्क पर्दा दिया गया है, कटवर्क कर्टेन दिया गया है जो कि गाजीपुर में, फिर उसके बाद मलमल पर छपाई लखनऊ, फिर उसके बाद कालीन भदोई,
फिर सिल्वर ब्रोकेट क्लस्टर, ये आपका बनारस दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो मलमल पर छपाई है ना, ये लखनऊ नहीं, ये मथुरा, ठीक है। और कालीन भदोई सिल्क ब्रोकेट क्लस्टर, ये वाराणसी एकदम सही है। और कटवर्क पर्दा आपका गाजीपुर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, क्लास प्रिंटिंग और मसलिन, ये आपका मथुरा होगा, ना कि लखनऊ होगा। और यहाँ पे बोला गया था नॉट करेक्टली मैच, इसलिए हमने इसको सी मारे बी माना है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे कटवर्क पर्दा गाजीपुर, ठीक है, कालीन उद्योग भदोई मिर्जापुर वाराणसी, सिल्क ब्रोकेट वर्क क्लस्टर वाराणसी, मलमल पर छपाई मथुरा, छपाई उद्योग फरुखाबाद, कंबल मुजफ्फरनगर मेरठ, चिकनकारी लखनऊ, लखनऊ की चिकनकारी सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 प्रश्न। अच्छा 14 प्रश्न को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ODOP की बात की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्लीज क्लास ODOP वाली जो लिस्ट दी गई है ना, उसको तैयार कर लेना, ठीक है, कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट का क्या चीज फेमस है। पेपर में प्रश्न बना है और पूरी संभावना है आगे भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये ईयर मत पूछना, भूलना, ठीक है, कि कब, 24 जनवरी 2018 याद रखना, 18 भूलना मत कभी। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, सौरा या सैरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। सौरा एंड सैरा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला आपको पूर्वांचल दिया गया है, फिर ब्रज दिया गया है, फिर मिर्जापुर दिया गया है, फिर बुंदेलखंड दिया गया है। तो सौरा और सैरा जो है वो आपका बुंदेलखंड रीजन का नृत्य है। जब फार्मर्स ना अपने जो फार्मर्स होते हैं, जो उन्होंने बोया रहता है, जब उसकी कटाई करने जाते हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। देखिए, जिसे किसान अपनी फसल को काटते समय हर्ष को प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट द रूल्स ऑफ लिविंग इन संघ आर फाउंड, ठीक है, किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रूल्स पाए जाते हैं जो कि आपके संघ में फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले अभिधम्म पिटक दिया है, फिर देख निकाय दिया है, फिर विनय पिटक दिया है, फिर विभाषा शास्त्र दिया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका विनय पिटक, सी इज द राइट आंसर। अब क्लास यहाँ पे कुछ हम पिटक देख लेते हैं। सबसे पहले विनय पिटक याद रखिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। विनय पिटक की रचना किसने की थी, उपाली ने की थी, प्लीज याद रखिए। विनय पिटक की रचना किसने की थी, विनय पिटक की उपाली ने की थी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया गया था, इसमें बौद्ध संघ की नियमों का वर्णन किया गया था। बौद्ध संघ में जो भी नियम थे उनका वर्णन आपके विनय पिटक में किया गया था, जिसकी की रचना किसने की थी, उपाली ने की थी, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जब हम सुत पिटक की बात करते हैं तो इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना आनंद ने की थी, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें बुद्ध के द्वारा जो दिए गए आपके उपदेश हैं वो मेंशन्ड है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। तो याद रखिएगा क्लास, विनय पिटक में उपाली ने यहाँ पे जो बौद्ध संघ है उनके नियम मेंशन्ड है। जब हम सुप्त पिटक की बात करते हैं तो इसकी रचना किसने की है, आनंद ने की है। आनंद किसके शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य थे, और यहाँ पे उन्होंने बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश दिए गए उनके जो संवाद है उसकी बात कही है। ऐसे आपको कभी नहीं भूलेगा। अब एक चीज और, अभिधम्म पिटक की रचना किसने की है, तिस्से ने की है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, इसको भी याद रखिए, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है, ठीक है, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का। तो तीनों पिटक याद रखिएगा, इसकी रचना किसने की है और यह किस चीज से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16 प्रश्न को देखिए। मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण का सामाजिक राजनीतिक और वैज्ञानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हुए थे, ठीक है। In the post-modern period, which of the following effect took place at the social, political and scientific level after the Greek invasion? अब क्लास बड़ा प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे, फिर उत्तर देंगे, ठीक है। तो पहला आपका दिया गया है, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण, द डिविजन ऑफ द वीक इन 7 days एंड नेमिंग ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स। फिर दूसरा आपको दिया गांधार कला का विकास, गांधार आर्ट डेवलपमेंट। और आखिरी आपको दिया है युद्ध में बारूद का प्रयोग शुरू हुआ, यूज ऑफ गन पाउडर इन वॉर। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात की गई है और बोला गया है जब
ग्रीक इन्वेजन हुआ उसके बाद भारत में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई या क्या क्या चीजें नहीं आई। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वीक इन सेवन डेज एकदम सही है एंड द नेमिंग ऑफ वेरियस प्लैनेट्स। दूसरा गांधार शैली का डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले टेस्ट में, गांधार और मथुरा शैली के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपसे डिस्क्राइब मतलब डिस्कस किया था उस चीज को, ठीक है। यूज ऑफ गन पाउडर स्टार्टेड इन द वॉर, ये गलत है। बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले गन पाउडर का यूज हुआ था। कहीं कहीं मुगल्स दिए रहते हैं तो बोला जाता है कि मुगल पीरियड में तोपें आई थी, ठीक है। बाबर ने लिखा है कि गन पाउडर का सबसे पहली बार प्रयोग विजयनगर एम्पायर में किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, एक और दो। अब क्लास देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है भारत में सबसे पहले बारूद बनाने व उसका प्रयोग महान विजयनगर साम्राज्य ने किया। बाबर ने अपनी बाबरनामा में इस बात का जिक्र भी किया है। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की तो मुगल साम्राज्य को मुगल तोपों के लिए जाना जाता है कि तोपे लेके आए थे ये। तो ए आपका सही उत्तर है, मैंने आपको ए बताया था। चलिए अब यहां पर कुछ और चीजें दी है जो कि यूनानियों के संपर्क में आने के कारण हुआ। जैसे कि हमने बात किया कि एक वीक को सेवन डेज में आपका डिवाइड कर दिया गया, प्लैनेट्स का नाम रख दिया गया, ठीक है। नक्षत्रों को देखकर भाग्य बताने वाली चीजें स्टार्ट हो गई, राशि और ग्रहों के नाम यूनानी मूल के बताए गए, ठीक है। पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा याद रखिएगा, प्रारंभ की गई, ठीक है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी यूनानी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। गांधार शैली के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 17 प्रश्न को देखिए, इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला है, या 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू की गई एक भू राजस्व पद्धति थी। इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाई द वॉरेन हेस्टिंग इन 1772। दूसरा है, इसमें 10 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, इट हैज अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। और थर्ड आपका है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि के ठेके पर दी जाती थी, उसको भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम इजारेदारी सिस्टम की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द वॉरेन हेस्टिंग। इसमें यह था कि जो भी लैंड था उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था फिर वो लैंड उसको दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था ना, ये आपका 10 साल का ना होकर खाली 1 साल का होता था। और यही इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि 1 साल, अभी आप खुद सोचो, आप किसी चीज को बो रहे हो, कटेगी, तो एक प्रोसेस लगता है ना, एक सीजन से दूसरे सीजन में आप जाते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट खाली 1-1 साल के लिए दोगे ठेकेदारों को, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी वजह से इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट बोला गया था, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट में आपका 1 और 3 होगा, तो मतलब ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, एमसी सीतलवाड़, ठीक है, बीएन राव और अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, ठीक है। अब यहां पर पहला पार्टी आपको दिया गया स्वराज पार्टी, फिर ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, फिर मद्रास लेबर यूनियन और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे जो मेंबर हैं वो आपके सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के हैं। जब भी हम सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का नींव रखा था, ठीक है। और इसके जो और मेंबर्स थे आपके, वो याद रखिएगा, एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। तो पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी या किस वर्ष में हुई थी। आपसे अदर मेंबर्स पूछ लेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अदर मेंबर्स भी याद रखिएगा और 1905 पुणे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 19वां प्रश्न देखें, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द मोस्ट रिवोल्ट टुक प्लेस। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक दिया गया है, फिर मुबारक शाह दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है और फिरोज शाह तुगलक एक दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिवॉल्ट्स थे ना, विद्रोह जो थे, वो किसके समय में हुआ थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। तो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। अब मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड एक चीज आप याद रखिएगा, अमीरे दीवाने अमीरे कोही, ठीक है, ये याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही,
ठीक है। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये किस चीज से रिलेटेड था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एक नया स्वर्ण सिक्का चलाया था, ठीक है, जिसका कि नाम इब्न बतूता ने दिनार दिया है, ये भी याद रखिएगा, इब्न बतूता ने दिनार दिया है। पेपर पूछता है इब्न बतूता किसके समय में था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था, सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, सबसे सशक्त पेशवा कौन था, ठीक है, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल पेशवा। तो सबसे पहले आपको बालाजी बाजीराव दिया है, बालाजी प्रथम दिया, बालाजी राव प्रथम दिया है, माधवराव दिया है, बालाजी विश्वनाथ दिया है। तो सबसे पावरफुल पेशवा किसको माना जाता है, बालाजी राव प्रथम को, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे पेशवाओं की नियुक्ति दी गई है, अगर आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। 21वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्टीवेटेड बाय ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग से कौन सा नहीं होता है ये बोला गया है। आप अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाएं तो आप देखते होंगे ना कि कटिंग लगा दी जाती है, गुलाब की कटिंग, ऐसे काट दिया जाता है गुलाब को, फिर उसको ऐसे ऐसे खोज दिया जाता है गुलाब के डंडे को, तो हाँ उसको फिर ऐसे, मतलब और भी प्रोसेस उसमें होते हैं कि दो दो स्टेम, मतलब जो भी हो उसको जोड़ के फिर ऐसे से लपेट के, तो वो बहुत वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए, क्वेश्चन पे आइए, गुलाब, ठीक है, फिर उसके बाद बायरोफिलम दिया है, फिर केला दिया है, फिर गेंदा दिया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ब्रायोफिलम, ठीक है। और सब प्रोसेस आपकी ग्राफ्टिंग के थ्रू आप इनका कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रायोफिलम की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए, अच्छा बायो वाले जो बच्चे होते होंगे ना वो भावुक हो जाते होंगे कि मैम ऐसे कैसे, अच्छे से समझाइए। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले भारत में ऊर्जा संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया गया था। दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 हैज बीन पास्ड टू कंजर्व एनर्जी इन इंडिया। दूसरा आपको दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार पर जोर देता है। आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस ऑन द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 48A आपका जोड़ा गया था, जिसमें राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा और अपने आंसर को लगाइएगा। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वो ओजोन से रिलेटेड है ना, ओजोन डिप्लीशन से। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला आपको दिया गया है ऑप्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दूसरा, इससे ओजोन परत के संरक्षण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था, ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यस, इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एकदम सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, यह एक बाध्यकारी समझौता है, इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, 2010 से इस प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। सिंस 2010 द एजेंडा ऑफ दिस प्रोटोकॉल हैज बीन फोकस्ड ऑन ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ HCFC। तो यहाँ पे आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, यहाँ पे देखिए डी आपका सही उत्तर है। जरा एक चीज और देख लीजिए, इसको आपका मूल रूप से अपनाया गया था 16 सितंबर 1987, इसी वजह से मैंने आपको ये भी बताया था कि ओजोन डे आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। ईयर याद रखेंगे 1987 में, ठीक है, और 1989 से ये आपका प्रभावी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे DPSP दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, दे एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। दूसरा आपको दिया गया, इन तत्वों में अंतरराष्ट्रीय उपबंध किसी न्यायालय द्वारा
परिवर्तनीय नहीं है। The provision related to the DPSP are not enforceable by any court. तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम DPSP की बात करते हैं, हम सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात फंडामेंटल राइट्स में करते हैं। जब भी हम बात करते हैं DPSP की, तो DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो इन्फोर्सबल नहीं होता है, कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी भी न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, जो आम नागरिक है वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। आपको याद होगा आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट जाना है आपको, तो आर्टिकल 226 की बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे चीज़ों को समझते चलिए, चीज़ों को डिफिकल्ट भी बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पे सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखिएगा, जो डीपीएसपी है वहां पे हम डीपीएसपी को तीन तरीके से बांटते हैं, आपका एक समाजवादी नीति, ठीक है, एक गांधीवादी नीति, और यहाँ पर फिर आपका प्रमुख पश्चिमी उदारवादी नीति, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका हो गया समाजवादी सोशलिज्म के बेसिस पे, ठीक है, फिर गांधीयन पॉलिसी पे, और फिर आपका लिबरलिज्म पे, ठीक है, लिबरल्स पे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, बस मैंने आपको बता दिया। 25वां प्रश्न देखिए, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। यहाँ पे देखिएगा चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट पूछा है, ठीक है, स्टेट पूछा है, सेंटर का नहीं पूछा है, ये चीज याद रखिएगा। अब आंसर दीजिए, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है कि एडवोकेट जनरल होता है कि सॉलिसिटर जनरल होता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। तो जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, ये आर्टिकल 165 में दिया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन सा लॉ ऑफिसर है, वो लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। तो यहाँ पे देखिए बी जो है वो आपका सही उत्तर है। 26वें प्रश्न को देखिए, ये आपका जो है डीपीएसपी से ये प्रश्न है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं क्लास, और उन आर्टिकल्स के सामने आपको बताया गया है कि इन आर्टिकल्स में क्या चीज मेंशन है। तो ध्यान से पढ़िए आप, वीडियो को पॉज करके और सही उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं पढ़ती हूँ, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A में बोला गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। दूसरा अनुच्छेद 40 में, ठीक है, 40 में ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में न्यायिक पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। प्रश्न में आपसे बोला गया है नॉट करेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, पहला एकदम सही है, दूसरा एकदम सही है, तीसरा एकदम सही है, जो डी है वो आपका गलत है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो आर्टिकल 50 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, लेकिन सही उत्तर आपका डी होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। समझ में आ गया, चलिए अब देखिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पे यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की बात की गई है, और बोला गया है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हमेशा रहेंगे, ठीक है, और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को कितने साल के लिए आपके इलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 साल के लिए। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब आप एक काम करेंगे, मुझे आप मुझे बताएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, इतना काम आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज आपसे मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तो ये पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। 28th क्वेश्चन को देखते हैं हम, लाल मृदा में बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, ठीक है, रेड सॉइल में आपके बोए जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तंबाकू व मोटे अनाज, कपास व सोयाबीन, टी और कॉफी, या गेहूं और आलू, वीट और पोटैटो। तो मैं बता दूं, रेड सॉइल में मेनली आपके टोबैकोज और जो आपके मोटे अनाज हैं वो आपके बोए जाते हैं। जब हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन तो ब्लैक सॉइल में आपका बोया जाता है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, 29th प्रश्न, बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई, ठीक है, की जा सकती है। अब
जो भी आपका बजट डेफिसिट है, जो भी घाटा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी बजट डेफिसिट है, जो घाटा उसको हो रहा है, वो उसको कम करना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, ये समझ में आता है ना कि डेफिसिट कब होगा, घाटा कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा ना, खर्चा जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा और रिसिप्ट जो आपको मिल रहा है पैसा वो कम होगा, तभी तो हम कहते हैं खर्चा ज्यादा है ये कम होगा, तब आपका जो बजट है वो डेफिसिट में जाएगा, घाटे में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जो पैसे आ रहे हैं वो कम है। अब यही कॉन्सेप्ट को रख के यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले राजस्व व्यय में कमी लाना, रिडक्शन इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिचर को कम करें तो ऑफकोर्स सी बात है हमारा जो डेफिसिट है, घाटा है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, हम खर्च करना ही कम कर दे, कोई दिक्कत, चलो। दूसरा आपका दिया गया है नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। अरे अगर सरकार नई कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स को आरंभ करेगी तो सरकार को और पैसा देना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना, सरकार का खर्चा और बढ़ जाएगा, तो उससे तो डेफिसिट बढ़ेगा ना, तो दो तो होगा ही नहीं, चलो दो को काटो, ठीक है। अब तीसरा आपको दिया गया है उपदानों का युक्तिकरण करना, रेशनलाइजिंग सेशन ऑफ सब्सिडीज, ऑफकोर्स सी बात है अगर हम सब्सिडीज को थोड़ा सा एक क्या करें, हम युक्तिकरण करें सब्सिडीज को, रेशनलाइज करें, तो उस कंडीशन में भी हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उद्योगों का विस्तार करना है, एक्सपेंडिंग द इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना तो अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए हमें फिर खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जब जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब तक आपका जो डेफिसिट है वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक और तीन कहीं दिया, ए में दिया है, तो ए आपका सही उत्तर होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। तीसवा प्रश्न देखते हैं, 30th प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको बोलना है कि जो 2011 का सेंसस है क्लास, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम रूरल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीधे सही उत्तर आपका बी है, सिक्किम, मिजोरम, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, आपका सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। अब मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवाइज करिए, पहला प्रश्न कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, ठीक है, दूसरा अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें रूरल पॉपुलेशन वो कहां पर सबसे ज्यादा है, और दोनों का आंसर आपका अलग है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ट्रांसफॉर्मर, 31st क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफॉर्मर का क्या यूज है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, या फिर डीसी वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, या फिर एसी वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। देखिए डीसी को एसी, एसी को डीसी, तो इसके लिए तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है, वो तो दूसरी चीज हो गई। जब भी हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जब भी वोल्टेज को बढ़ाना रहता है एसी वोल्टेज को तो हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, जब घटाना रहता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है, डी, डी आपका सही उत्तर है। 32nd प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, जब भी बड़े प्रश्न आए प्लीज क्लास इतना किया करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से प्रश्न पढ़ लिया करिए, ठीक है, उसके बाद जब मैं पढ़ती हूं तो उसको एक बार सुन के आप उत्तर देने का प्रयास करिए। 32nd क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात की गई है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एक संघीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज अ फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। दूसरा आपको दिया गया, इस अभिकरण की स्थापना राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत हुई थी, द एजेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, और करंट में इनके आपके दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान प्रमुख है, दिनकर गुप्ता इज द करंट हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो मैं आपको बता दूं यहां पर ये तीनों आपके एकदम सही है, 1, 2, 3 इज द राइट, ठीक है, एनआईए की बात की गई है। चल 33rd क्वेश्चन देखते हैं, यूपी स्पेशल से है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यहां पे आपको दिया गया है आला,
बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रोहेलखंड, कजरी, मिर्जापुर। तो आला बुंदेलखंड एकदम सही है, बिरहा ठीक है, पूर्वांचल एकदम सही है, पूर्वांचल कर लीजिएगा उसको ठीक है, चैती, रुहेलखंड नहीं, ये आपके अवध की तरफ है ठीक है, कजरी, मिर्जापुर एकदम सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला गया है, तो सी आपका नॉट करेक्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए जब भी हम चैती की बात करते हैं तो ये अवध की तरफ हो गया, भोजपुरी क्षेत्र में ठीक है। लोकगीत है आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, कजरी मिर्जापुर का, चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र का, और लावड़ी जो है वो रुहेलखंड का। वेरी इंपॉर्टेंट, यूबी स्पेशल से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, डांस से, ट्राइब से, लोकगीत से ठीक है। 34 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल आर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जब भी हम सॉइल के कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमस होना चाहिए, जल होना चाहिए, एयर होना चाहिए, मिनरल पार्टिकल्स होना चाहिए ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो यहां पर आपका सही क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बी जो है वो आपका सही उत्तर है ठीक है। क्लास समझ में आ रहा होगा, जल भी जरूरी है ठीक है, उसके बाद इसमें मिनरल्स आपके प्रेजेंट ही होंगे, अब ह्यूमस आपके प्रेजेंट ही होंगे, कुछ सड़ा गला सब चीज उसमें होगा ही ठीक है, एयर भी उसमें प्रेजेंट होता है ठीक है, ऑक्सीजन का कुछ लेवल आपका होता है। तो 1, 2, 3, 4 एकदम सही है ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, मृदा विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी कहते हैं। पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पीडियोलॉजी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनके के बारे में हमारे संविधान में मेंशन है ठीक है, वो आपके संवैधानिक निकाय होगी। तो सबसे पहला आपको दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, ऑफकोर्स ये बात है हमने डिस्कस भी किया है, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, और फिर आपको दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो हैं CVC और NHRC ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे के बारे में आपके संविधान में मेंशन किया गया है। यहाँ पे नॉट पूछा गया था ना, नॉट, तो नॉट में आंसर आपका 3 और 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या है सही, सी। हम देख लेते हैं व्याख्या में, सी आपका सही है। अब देखिए क्लास, यहाँ पे NHRC की जब हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इसका 1993 वर्ष में संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था, ये याद रखिएगा 1993, ये मेरा पर्पस था यहाँ बताने का। चलिए 36 क्वेश्चन को देखें, निम्न में से कौन अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र के उदाहरण है ठीक है। यहाँ पे बात की गई है बायो जियो केमिकल साइकिल की ठीक है, एग्जाम्पल की बात की गई है। तो जब भी हम बायो जियो केमिकल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें आपके सारे साइकिल्स आते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ठीक है, तो सारे साइकिल्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर। डी आपका सही है। अच्छा एक चीज आप देखिएगा क्लास, यहां पर बस एक छोटी सी चीज, जब भी कभी आपको अगर देगा बायो जियो केमिकल साइकिल ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप लगाओगे ये सारे साइकिल्स, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सारे साइकिल्स ठीक है। और यहां पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, मैं इसको आपको पढ़ के बता दूं, पोषक तत्व चक्रण का एक अन्य नाम जैव भू रासायनिक चक्र है, मतलब जैव मतलब सजीव, जब भी हम जैव की बात करें, बायो कहीं पे भी अगर टर्म क्लास बायो आया तो बायो मतलब हम किसी लिविंग चीज की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सजीव की बात कर रहे हैं ठीक है। और भू मतलब भू मतलब क्या हो गया आपका, चट्टान ठीक है, वायु, जल, ये याद रखिएगा ठीक है। यहां पे मैं क्यों बता रही हूं आपको, ताकि बच्चे कंफ्यूज हैं, बायो की जब भी हम बात करेंगे तो लिविंग, जियो की हम बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ गया, आपका चट्टान, वायु, जल सब आ गया। अवसादी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल के लिए निस्तेज पृथ्वी की परपट्टी में स्थित होता है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 37 प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपको दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार के कार्यों में संलग्न न होने का प्रस्ताव पारित किया था। और दूसरा आपको दिया गया, इस आंदोलन में मुस्लिम किसानों की
सीमित भागीदारी थी, ठीक है, सीमित भागीदारी थी, ये नहीं बोला गया कि भागीदारी नहीं थी, बोला गया सीमित भागीदारी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये तो था ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आपका पास होता है, जिसमें कि आपका बोला जाता है कि अब से हम स्वदेशी जो स्वनिर्मित चीजें हैं उस पर निर्भर रहेंगे। तो पहला तो आपका एकदम गलत है। यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, जो मुस्लिम किसान थे उनका एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। तो आपका दो जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। क्लास, ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है कि किसके समय पे बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा कर दी थी कि मैं 20 जुलाई 1905 के दिन इन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन हम करेंगे। हम बंगाल को इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और इसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इस वजह से हम इसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड करने जा रहे हैं, ये इनका रीजन था। लेकिन इसके पीछे इनका मेन पर्पस क्या था, डिवाइड एंड रूल वाला, कि हम मुस्लिम और हिंदू जो उनके बीच में जो एक एकता है उसको हम खत्म कर दें, इनको विभाजित कर दें, ठीक है। तो इन्होंने घोषणा कब की थी, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर, ये भी डेट याद रखिएगा प्लीज क्लास, 16 अक्टूबर और 20 जुलाई दोनों डेट याद रखिएगा। पेपर में एक बार क्रोनोलॉजी में पूछ लिया था, उसमें क्रोनोलॉजी में ये नहीं पूछा था कि घोषणा पहले हुई थी कि आदेश लागू पहले हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था, घोषणा वाला दे दिया था, 20 जुलाई वाली डेट बच्चों को याद रखनी थी, ठीक है, वो तो ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतना हमने डिस्कस किया है। 38th क्वेश्चन को देखें, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया, समिति द्वारा किसानों की आय वृद्धि के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किस उपायों को चिन्हित किया गया। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल committee to double the income of the farmers by 2022. Which of the following measures has been identified by the committee as a source of income growth of the farmer? तो चलिए देख लेते हैं farmer के income growth के लिए सरकार ने क्या क्या चीजें decide की थी। सबसे पहले फसल उत्पादकता में सुधार, ठीक है, इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, अच्छी बात है, क्रॉप ज्यादा होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो किसानों को मदद मिलेगी। किसी कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण, ट्रांसफर फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, उच्च मूल वाली फसलों की ओर विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स द हाई वैल्यू क्रॉप, फिर उसके बाद फसलों की गहनता में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप, और आखिरी है आपका पशुधन उत्पादकता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो आप थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाएंगे तब भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ने को। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, डी जो है वो सही उत्तर है। हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए डी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे मेनली 7 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे जो कि आपका ये है। सबसे पहला फसल उत्पादकता में सुधार, ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पशुधन उत्पादकता में सुधार, लाइफ स्टॉक जो कि आपके पशु लोगों को रखना है उसमें सुधार करना, उत्पादकता की लागत में बचत तथा संसाधन उपयोग दक्षता, फिर फसल गहनता में, फिर उच्च मूल वाली फसलों की विविधता, किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार, और कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण, ठीक है, ताकि जो आपके जो किसान है वो खाली एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना रहे, उनके पास और भी सोर्सेज रहे चीजों को पैसों को अर्न करने का इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। 39th क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला गया है विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की गई है और बोला गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिए। किसी समुद्र जैव भार का पिरामिड समानता उल्टा होता है, द पिरामिड ऑफ मैराइन बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड। फिर उसके बाद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन Never be turned upside down in any ecosystem. मतलब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ये बोला गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, मैं बता दूं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए सही सी जो है वो आपका सही उत्तर है। मैंने ऐसे क्यों बोला क्लास, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता दी, हम किसी भी पिरामिड को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे समझिएगा,
हम किसी भी पिरामिड को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे बेस की बात करते हैं तो बेस क्या है, आपका ब्रॉड है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ज्यादा होगा, समझने की कोशिश करो, और यहाँ पे जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा आपका अपराइट पिरामिड होता है। क्यों? जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो आपका 10% एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, 10% या 10% एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो ये जो एनर्जी मिल रही है वो आपकी घटती जाएगी। अब आप खुद सोचिए, सन रेज से जो एनर्जी हमारे प्लांट्स ले रहे हैं वो हमसे ज्यादा एनर्जी सन रेज से ले रहे हैं, जब हम उनको खाएंगे तो हमारे अंदर उससे कम ऊर्जा जाएगी। तो ये इस तरीके से होता है, तो ये तो एकदम सही है। लेकिन जब हम बायोमास की बात करते हैं, बायोमास की, बायोमास मतलब जितना भी आपका ये जैसे मसल्स हैं, ये जिसमें कि वाटर के कंटेंट नहीं है आपकी, जो बायोमास कहलाता है। तो बायोमास अगर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहाँ पे जहाँ पर पानी है, तो आप कितने भी जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लो, भले वो नंबर में ज़्यादा हो। देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर भी एक प्रश्न आता है। पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम एक्वेटिक सिस्टम में देखेंगे तो वो आपका अपराइट ही होगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि थाउजेंड ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, लाखों में, करोड़ों में, ठीक है। तो इनके नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, अगर हम नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर की, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, वेल के, शार्क के, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके कंपैरिजन में, ये जो आपके जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर आपका हमेशा अपराइट रहता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लेकिन अगर हम बायोमास की बात करें, ठीक है, हम कहें कि क्या आप सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को, सारे एल्गी को एक जगह लेके उनके मास की बात करो, जो उनका मास बचता है, ड्राई मास बचता है, उसको एक जगह वेट करो, तो आप पाओगे ये बहुत, ये आपका कम होता है एज कंपेयर टू द ऊपर जो कंज्यूमर आपके बैठे हुए हैं, जो आपके वेल्स बैठे हुए हैं। अब हजारों लाखों फाइटोप्लैंक्टन्स को एक जगह इकट्ठा कर लो, एक वेइंग मशीन रख लो, मतलब वेट नापने के लिए, इधर एक शार्क को रख लो और इधर फाइटोप्लैंक्टन्स को रख लो, तो तुम देखोगे ये तो नंबर में ज्यादा है लेकिन जो आपकी जो वेल है उसका वेट ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका हमेशा डाउनवर्ड होता है। आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया है ना तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, हम अगले क्लास में ना क्या करेंगे, इसी प्रश्न को अलग तरीके से एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। आज की क्लास का थोड़ा आखिरी प्रश्न था तो एनर्जी थोड़ी लो हो गई थी। अब 40 क्वेश्चन को देखिए, पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, द वॉइस ऑफ डिसेंट इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अरुंधति रॉय दिया है, अरविंद अदिगा दिया है, रोमिला थप्पड़ दिया है और चेतन भगत दिया है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो रोमिला थप्पड़ द्वारा लिखा है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था, तो धन्यवाद क्लास। आज हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया, 40 प्रश्नों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके तरीके से आपको पढ़ाऊँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पहले बहुत ही अच्छी हो जाए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, हम इतने क्वेश्चंस को लगा लें। तो इसी तरीके से मेरे साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।